स्वस्ते श्री अजिता श्री संभव स्वस्ते स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपर स्वस्ते स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा पुष्पतंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शिष्यान स्वस्ति स्वस्ति श्री काशुपूजन श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्णाथा श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुकृता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पाश स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना अच्छी अच्छी मम्मी किटी पार्टी में कितने लोग जाते हैं जरा हाथ खड़े करके दिखाइए किटी पार्टी में कितने लोग जाते हैं सब लोग जाते हैं ना हाथ उठाओ किसी ना किसी तरह की किटी तो होती रहती है ना तो क्या कहते हैं बच्चे ओ मेरी प्यारी प्यारी मम्मी मेरी प्यारी प्यारी मम्मी और जब बेचारे भाई आते हैं तो बहन बड़ी खुश हो जाती है है ना रात में अगर कोई गलती से 2 बजे पतिदेव कहीं बाहर से आए तो गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आएंगे इतनी रात तक कहाँ घूम रहे थे कहाँ गए थे और अगर 2:30 बजे रात में भाई आ जाए इतनी रात तक कहाँ परेशान हो रहे थे ऐसे होता ना इतनी रात तक कहाँ पर एक तो घूम रहा था भटक रहा था और एक बेचारा परेशान होके बताओ इतनी रात तक क्यों परेशान हो रहे थे तो वही भाई कह रहा है कि मेरी प्यारी प्यारी बहना अब तो मानो मेरा कहना नहीं किटी पार्टी जाया करो मेरी प्यारी प्यारी बहना अब तो मानो मेरा कहना नहीं किटी पार्टी जाया करो थोड़े पैसे बचाओ इनसे पुण्य कमाओ बोलियां खूब लगाया करो मेरे प्यारे प्यारे भैया अब तो मानो मेरा कहना नहीं थिएटर जाया करो थोड़े पैसे बचाओ इनसे पुण्य कमाओ बोलियां खूब लगाया करो इति चतुर्लिंग सज्जने स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलि क्षिपेत आ गई रे भक्तों की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया उड़ उड़ जाए कुंडलपुर को उड़ उड़ जाए कुंडलपुर को कुंडलपुर हाँ कुंडलपुर को कुंडलपुर हाँ कुंडलपुर को आदि प्रभु को खा गई रे भक्तों की चुनरिया आदि प्रभु को खा गई रे भक्तों की चुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया पवन उड़ा नित्या प्रकम्पाद भूत केवलोका स्फुरन मनः परिय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सुपरमर्षियो नः गोष्ठस्थ धान्योपममेक बीजम सभिन्न संत्रोत्र चतुर्विधम बुद्धि परम दधाना स्वस्ति किया सुख परमर्षियो ना संस्पर्शनम संस्पर्शे प्रभु पावन तुम्हारा शरण मिल गया मेरा मुरझाया हृदय बस आज खिल गया मुझे प्रभु पावन तुम्हारा शरण मिल गया अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंध है देवता ये मान जग में
तम सदार चा करे भगवान करता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे ओम नेम श्री अरसिद्धा दर्वद्ध सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतर्य नब्दे सुमात्रामी अवतर अवतर समोचरत्र अहवाननम ओम प्रेम श्री अरत सिद्धाचार बद्ध सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैतर्य नब्दे सुमात्र तिष्ठो तिष्ठ तिष्ठ ठह 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 स्थापनम ओम प्रेम श्री अरत सिद्धाचार बद्ध सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतर्य नब्दे समूह अत्र मम सन्नितोस्तु भव भव वशट सन्निधे कर्णम परिपुष्पांजलि छिपे आइए जल लेंगे भक्ति के साथ ओ चलो कलशो में ओ चलो कलशो में चलो कलशों में भर लो नीर रे प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे चलो कलशों में ओ चलो कलशों में कलशों में भर लो नीर रे प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे बोलिए नेमिनाथ भगवान की अरे कैसा पावन दिन ये आया केतवाड़ा में मेला छाया भाई आगे आ जाए इंद्र केतवाड़ा में मेला छाया ओ मेरे मन में ओ मेरे मन में ही अब धीरे प्रभु जी के चरण चढ़ाए अरे कैसा पावन दिन ये आया और गौतमपुरी में मेला छाया ओ मेरे मन में नहीं अब धीरे प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे ओ चलो कलशों में कलशों में भर लो नीर रे प्रभु जी के चरण चढ़ाए गंगा नदी का नीर निर्मल वाह मल धोवे सदा अंतर मलों के छालने को नीर से पूजो मुदा नव देवताओं की सदा जो से अर्चा करे सबसे थे नौ निधि रे थे मंगल पाए से विकांता नव देवी बिनमा संसारता बिना सुना चंदनम निर्वपामेति शीरो दधि के फेन समसि तंदुलो को लाए के उत्तमय अखंडित सोक है जो पुंज नभ से चढ़ाए के नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिनों निधि रेति मंगल पाए से विकांता ओम नमः श्री हरि सिद्धाचार्य बद्ध सर्व साधु जिन धर्म जनकम जिन चतुर नवदे विभिन्न मार्ग छ प्राप्त अखंड स्तम निर्वपामेति तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना है तू दे दे एक बार दुनिया के तारनहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार ओ
चंपा चमेरी के बड़ा नाना सुगंध गज ले लिए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे मंगल पाए शिव कांतावरे ओम नम श्री अरसदा जरवद सर्व साधु जिन धर्म जनगम जिन च चतले नव देव विद समो काम मानव दर्शना पुष्पम निर्वपामेति पायस मधुर पकवान वो तक आदि गो भरथाज में अमृत सो कहे तू पूछ मो नत भात तो है पसंद तेरी धूप और छा हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छा दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव प्रभु किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें छोड़ मझधार चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें छोड़ मझधार जो भी देना दे तू दे दे एक बार दुनिया के कारण हार दुनिया के कारण हार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार ओम नम श्री अरसिदा दर्वद सर्व साधु जिन धर्म जनगम जिन च चतरे नव देव विभ्यो नमः क्षुधा रोग विनाशन नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा आइए दीप लेंगे ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में दूर अंधेरे हो जाए हो जिया राजी बन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अरे ओ जगती के कारण हारे हम तो प्रभु जी है तेरे सहारे ओ जगती के कारण हारे हम तो प्रभु जी है तेरे सहारे ओ मन का अंधेरा मिट जाए ओ उजियाना जीवन में ज्ञान का दिया तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में ओ परपूर्ण ज्योति जगमग दीपक दिया निज हाथ में समाध दीपा बार दीपाओ सुज्ञान प्रकाश में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सो नव दिन मंगल पाए श्री कांतावरे ओम नम श्री अरसिदा सर्वद सब साधु जिन धर्म जनगम जिन चतले नव देव समूह महामोहन का विनाशन दीपम निर्वपामेति दशकंद धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेउ सदा जात गुण सौधव उठे हो कर्म सब मुझसे विदा नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे नव निज देत मंगल पाए शुभ ओम नम श्री अरसिदा सर्वद सब साधु जिन धर्म जनगम जिन चतले नव देव समूह अष्टकम दयना धूपम निर्वपामेति ओ तारण हारे तुम जग से न्यारे ओ तारण हारे आइए सौथामिन जी के साथ चलते हैं भक्ति के साथ सौथामिन जी भगवान के चरणों में आ रहे हैं शची भी आएंगे आइए भगवान के चरणों में चलते हैं ओ भाई जी हमारा सौभाग्य है ये कि भगवान के श्री चरणों में बैठकर आप सारे के सारे लोग साथ में बैठकर पूजा कर रहे हैं और आइए चलते हैं ओ तारण हारे तुम जग से न्यारे भाई भक्ति करेंगे भगवान की बड़ा अच्छा आज बड़ा पावन दिन है ओ तारण हारे तुम जग से न्यारे तुमरे बिन हम नौ नहीं हरे तुम जग से न्यारे न्यारे ओ तारण हारे हरे तुम जग से न्यारे
और सबकी उलझन सुलझाओ भगवान, सबकी उलझन सुलझाओ भगवान। ओ तुमरे बिन हमरा को नौ नहीं, स्वामी तुमरे बिन हमरा को नौ नहीं। ओ तारण हारे तुम जग से न्यारे, ओ तारण हारे तुम जग से न्यारे, स्वामी तुमरे बिन सबकी उलझन सुलझाओ भगवान, सबकी उलझन सुलझाओ भगवान। तुमने बिने हमें बोलिए देवी राज भगवान की मेरा कौन नहीं। हम गरीबों का तू ही सहारा, हम गरीबों का तू ही सहारा, ओ तुम्हें अपना समझ पुकारा, तुम्हें अपना समझ पुकारा, और जो घर पे आए खाली ना जाए, जो घर पे आए खाली ना जाए। ओ स्वामी तुमने बिन हमरा पालन हारे तुम जग से न्यारे, ओ पालन हारे तुम जग से न्यारे, ओ स्वामी तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, स्वामी तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अंगूर अमरक आम्र अमरक फल भराऊं थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजूं आज में। नव देवताओं की सना जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे मंगल पाए शिव शांता बने। ओम प्रेम श्री अरहत सिद्धाचार वंदे शिव साधु चिंतन जन गम जन चतन नव देवेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नर्वपामेति। जलगंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप मनार खिले, बस अलग से पूजत मिले। नम देवताओं की सदा जो भक्ति से खर्चा, सबसे नव नगरे मंगल पाए शिव कांता भरे। ओम ह्रीं श्री अर सिद्धा सर्वद सब साधु चिंधन जनगम जन चतर नव देवेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामेति। मैं धारा कर रहा हूँ जल धारा कर रहा हो, हे ध्यान आपका अब तारो या न तारो, ये है काम आपका। हे धारा कर रहा हो, हे धारा कर रहा हो, हे ध्यान आपका अब तारो या न तारो, ये है काम आपका। ओ जल धारा से नित में जग की शक्ति है, नवदेवों को पूज हूँ श्रद्धा भक्ति समेत। शांत शांति धारा, शांत शांति धारा, ओ नाना बिर के सुमन में मन में बहु हर्षा। मैं पूजू नवदेवता पुष्पांजलि चढ़ा, पुष्पांजलि छिपे पुष्पांजलि छिपे। नौ बार पुष्प क्षेपण करते हुए स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री अर्हदादि नव देवेभ्यो नमः। 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 चिंचिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव गुणमणि मां जयवंते वर्तो सदा। आइए पांडुक शिला की छाओं में हम सभी बैठे हैं,
जहाँ चंद प्रभु भगवान विराजमान हैं। और आज चंद प्रभु भगवान के चरणों में ये मेला इकट्ठा लगा है। करे ना करे, लेकिन जब जयमाल हो रही हो तो खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अरे लगा रे आज मेला प्रभु के द्वारे, अरे क्या बात आज मेला प्रभु के द्वारे, ओ लगा आज मेला, ओ लगा आज मेला प्रभु के द्वारे, लगाओ जयकारे प्रभु के द्वारे, लगाओ जयकारे प्रभु के द्वारे। अरे लगा आज मेला, ओ लगा आज मेला प्रभु जी के द्वारे, बड़े भावो से द्वारे कभी बोले प्रभु के द्वारे, लगा आज मेला, लगा आज मेला प्रभु जी के मान, भावों के गंगा जल से चरण पधारे, भावों के गंगा जल से चरण पधारे, लगा आज मेला प्रभु के द्वारे। जय श्री अरिहंत देव देव हमारे, जय घाटिया को घाट सकल जन तुम्हारे, और जय जय सिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय जय कर्म मुक्ति की मैं आशा करूं, अरे आचार्य देव गुण छठी सिद्धार रहे हैं, दिशादिने असंख अवतार रहे हैं, जय वंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे धनी, और जय साधु 28 गुण को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से उचित नौ कदा, ये पंच परम देव सना वंद हमारे, संसार में समसिद्धुर से हमको भी उमारे, जन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा, जिनकी ध्वनि पीयूष प्रपन्न करेंगे, भगदोग दूर करे मुक्ति कांत बनेंगे, जिन चेत की जो वंदना भी कान करे हैं, पेचित स्वरूप नित्य आनंद लाभ करे हैं, ओ कतिम वा अकतिम जिना लयों जो भजे, कर्म शत्रु जीत शिवालय में जब से, ओ नव देवताओं की तुरी आराधना करे, ज की भी तो आराधना करे, मैं कर्म शत्रु जीतने तुम्हें भजूं, संपूर्ण ज्ञान वती सिद्धि तुम्हें भजूं, नव देवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का पर में चहो इस पर में विश्राम, लगा रे आज मेरा प्रभु के द्वारे, लगा रे आज मेरा प्रभु के द्वारे। ओम रीम श्री अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नव देव समूह अनर्घ पद प्राप्त है, जय माला पूर्णर्घ्यम महाअर्घम नर्वपामेति। शांते शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। जो भाव श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, बेसब अमंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे, नव निधि अतुल भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मगन फिर यहाँ पर कभी ना आवते। इत्यार से वादा पर पुष्पांजलि क्षिपे। टेंट वाले कोई भी भाई अगर आस पास है तो कृपया मंच पर आए संपर्क। योनियों में हम अब मिली शरण, तेरे दो चरण तद बदल
भटक से रहे योनियों में हम अब मिली शरण तेरे दोषण श्री ऋषभ देव सुआदि जिन श्री वर्धमान जो अंत है तहु चरण वारिज तीनों के जजत तिनको संत है करके तपस्या साधु व्रत ले मुक्ति के स्वामी भय तिन तप कल्याण के भजन को हम कृपया ठान बदल भटक तेरे योनियों में अब मिली शरण तेरे दो चरण सब आदि वर्धमान प्रंचतुर्सत्संग जन तप कल्याण प्राप्त अत्रामि अवतर अवतर सम्मुचर अत्र आह्वाननम ओम रीम तप कल्याण प्राप्त श्री वृषभादि वर्धमान परम चतुर्थ जनेन्द्र अत्र तिष्ठ 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 ठह 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 स्थापनम ओम रीम तप कल्याण प्राप्त श्री वृषभ आदि वर्धमान परम चतुर्थ जनेन्द्र अत्र मम सन्नितोस्तु भव भव वशट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत और मन भज लेने मीनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी भज लेने मीनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी ये ओ मरिया रह गई थोड़ी 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 अरे मन भज लेने मीनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी मन भज लेने मीनाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी अरे तुम केथ वाला को जइयो तुम केथ वाला को जइयो और नेमीनाथ से कहियो तुम केथ वाला को जइयो और नेमीनाथ से कहियो अरे बुलवा लो अपने पास ओ मरिया रे अरे मन भज ले नेमीनाथ ओ मरिया रे गई थोड़ी शुच गंगा जल भर झारी रुज जन्म मरण छेकारी तपसी जिल चौबीस गाए हम पूजत ओम रिम तप कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि वर्धमान परम चतुर्थ जनेन्द्र पे नमः जलम निर्वपामेति ओ शीतल चंदन खसनाऊ तब का ताप शमाऊ तपसी जिन चौबीस गाए हम पूजन पाप नशाए ओम रिम तप कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि वर्धमान परम चतुर्थ जनेन्द्र पे नमः संसार ताप नशन चंद्रम निर्वपामेति अक्षत ने शशदुतकारी अक्षय गुण के कर्तारी तपसी जिन चौबीस गाए ओम रीम तप कल्याण प्राप्त श्री वृषवादि वर्धमान परम चतुर्विंशति थंग जनेन्द्र बिनमाक्षेपत प्राप्त अखंड स्तम नर्वपामेति बहुपूज सुवर्ण चुनाऊ निज काम व्यथा हटवाऊ तपसी जिन चौबीस गाए हम पूजन विघ्न नशाए ओम रीम तप कल्याण प्राप्त श्री वृषवादि वर्धमान परम चतुर्विंशति थंग जनेन्द्र बिनमा कामान दर्शन पुष्पम नर्वपामेति आइए भाइयों अब लेंगे आप और हम नैवेद्य यहाँ जितने इंद्र नानी बैठे हुए हैं
सबके सब की लगन भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों से लगी हुई है और हर एक दिल की धड़कन से ये आवाज आ रही है और कह रहे हैं नेमिनाथ भगवान से, अरे लागी रे लगन लागी रे और लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, भाई किन किन को लगन लगी हुई जरा खड़े हो जाए, हाँ जरा आ जाए भगवान के चरणों में और कहे अरे लागी रे लगन मोहे आज ने भी नाच की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, और लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मोहे आज प्रभु नाम की, लागी रे लगन मोहे आज प्रभु नाम, और लागी थी लगन जैसे लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लगन मोहे आज प्रभु नाम की, दोनों हाथ उठाएंगे, लागी रे लगन लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम, और लागी थी लगन जैसे लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लागी रे लागी रे लागी लागी रे लगन मोहे आज प्रभु नाम की, लागी रे लगन मोहे आज प्रभु नाम की, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही हो त्रिपुरारी, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही हो त्रिपुरारी, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही हो त्रिपुरारी, और लागी थी लगन जैसे लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, अरे ठमक ठमक कर इंद्र नाचे और इंद्राणी भी नाचे, और ठमक ठमक कर इंद्र नाचे और इंद्राणी भी नाचे, और ठमक ठमक कर इंद्र नाचे और इंद्राणी भी नाचे, और ठमक ठमक कर इंद्र नाचे और इंद्राणी भी नाचे, अरे जय जयकार मनाते जावे प्रभु चरणों में आके, जय जयकार मनाते जावे प्रभु चरणों में, लागी थी लगन जैसे लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लागी रे लागी 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 रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही हो त्रिपुरारी, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही हो त्रिपुरारी, अरे हाथ जोड़ कर अरज सुने हाथ जोड़ कर अरज करें विनय सुनो जी हमारी, हाथ जोड़ कर अरज करें विनती सुनो हमारी, लागी थी लगन लागी थी लगन जैसे शबरी को नाम की, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, लागी रे लगन मोहे आज तेरे नाम की, आज तेरे नाम की आज तेरे नाम की आज तेरे नाम की, सरुता जे स्वच्छ बनाऊं निज रोग छुदा मिटवाऊं, तब से जिन चौबीस गाए हम पूजन विघ्न नशाए, ओम नेम तप कल्याण प्राप्ति प्रसवादि वर्धमान चतुर्वसति थक जनेन्द्रभ्यो नमः क्षुधारो गुणासन नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा। सभी पूरी भक्ति से करो ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कभी भी नहीं मिलेगा।
लिए काजल पड़ी है हर माला। ये राजुल खड़ी है बरमाला, आला ने राजुल खड़ी है बरमाला। जूनागढ़ में खबर ये आई, 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 नेमिनाथ की बारात आई, नेमिनाथ की बारात आई। बड़ी दूर दूर से भक्त आए हैं नेमिनाथ भगवान की बारात में। सारा का सारा जन समूह सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ कैथवाड़ा कहने लगे, ओ नेम जी तुम आना, बारात संग लाना। देखो हमारे सौंदर्य मंदिर कितने हर्षित हो रहे हैं। ओ नेम जी तुम आना, बारात संग लाना, फिर जूनागढ़ में आना। बोलो याद रखोगे अरे ओ नेम जी तुम आना, ओ नेम जी तुम आना, बारात संग लाना, ओ नेम जी तुम आना, बारात संग लाना, फिर जूनागढ़ में आना। बोलो याद रखोगे के भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे के भूल जाओगे। अजी 56 कोटि है बराती है आए, 56 कोटि है बराती है आए, 56 कोटि है बराती है आए, 56 कोटि है बराती है आए। भाई कुछ बराती खड़े हुए हैं और कुछ बराती बैठे हुए हैं, वो भी नेमिनाथ भगवान की बारात में पहुंच रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी कहाँ, हमारे वीरन जी भाई साहब, हमारे पंडित जी साहब, हमारे टोनी भैया, सारा का सारा ये जन समूह खड़ा हुआ है। हाँ हमारी बहन कह रही है नेमी बिहाने जा रहे हैं, और इसमें हमारे कैथवाड़े का सबसे युवा जोड़ा श्री मामचंद जैन अंकल जी और आंटी जी, सबसे युवा जोड़ा है ये हमारे कैथवाड़े का, और इनका संवाद इसका कोई मुकाबला नहीं है। आइएगा, नेमिनाथ भगवान के शिव चरणों में चल रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हो बोली नेमिनाथ भगवान की, अरे दूल्हा बन के नेमी जी, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के प्रभु जी, दूल्हा बन के, और शोरीपुर से चले बराती सज धज के, दूल्हा बन के पर छोरी पुल से चले बराती सज धज के, नेमी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की। अब सही स्केल मिला, स्केल पीछा पड़ रहा था। पर दूल्हा बन के नेमी जी, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। देखिए हमारे वीरन जी भाई साहब बहुत हर्षित हो रहे हैं नेमिनाथ भगवान की बारात में। हमारे वीरन जी भाई साहब कह रहे हैं दोनों हाथों को खोल करके, दूल्हा बन के प्रभु जी, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के प्रभु जी, दूल्हा बन के। और जूनागढ़ में आए, जूनागढ़ में आए बराती बन बन के, नेमी जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। दूल्हा बन के प्रभु जी, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के प्रभु जी, दूल्हा बन के। और शोरीपुर से, और शोरीपुर से चले बराती सज धज के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। अरे नेमिनाथ भगवान की, अरे 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी। और नेमिनाथ की छवि को लग के, नेमिनाथ की छवि को लग के जूनागढ़ बलिहारी,
छठ श्रावण सुनला मीनाथ बन जाए करुणाधर पशु छुड़ाए धारा तब पूजो ध्याए। ओम रीम श्रावण शुक्ला षष्टम्याम तप कल्याणक प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय फलादि अर्घ्यम नर्वपामेति लक्ष्मी पाई बारा पावन शुभ भाई श्री बलवान तप धारा हम पूजन हो भव पारा नेमिनाथ जिनेन्द्राय फलादि अर्घ्यम नर्वपामेति। जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है। और जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है। और तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियां, तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियां, और तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियां, बन करके किनारा बन करके किनारा उन्हें आराम दिया है, महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है। जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है। नमस्ते 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 मुनिंदा, निवारे भली भांति छे कर्म धंधा, संवारे सुदर्शन का कम बन समझारी, सदा हम नमत है तेरे मन संहारी। त्रयोदश तकारम सुचारी त्रिधारम अहिंसा महासत्य अस्ते ये प्यारा, परम ब्रह्मचर्य परिग्रह सजाया, सुधारा महा मन लगाया, दया धार भू को निरख कर चलत है, सुभाषा महा शुद्ध मीठी बदत है, कर शुद्ध भोजन सभी दोष काटे, को निधि धारे धर्म ध्यान से आत्म अपना संभारे, धरे साम भावम रहे नीन निज में, सुचारे त्र निश्चय धरे शुद्ध मन में, ऋषभ आदि श्री वीर चौबीस जिनेशा, परे वीर क्षत्री गुणी काम ईशा, खड़ग ध्यान आदम को बल मोह नाशा, जजे हम यकर से तो आत्म प्रकाशा। ओ धन साधु सम गुण धरे सहे परिषह धीर, पूजत मंगल हो समहा तले जगत जन पी। ओम रीम तप कल्याणक प्राप्ता श्री वृषभ आदि वर्धमान परंत चतुर्मिश तिथक जनेन्द्र भ्यो नमा जय माला पुनर्घम महार्घम नर्वपामेति इत्याशीर्वादः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का अर्घ समर्पित करेंगे। प्रासुकी अष्ट द्रव्य है गुरुवर थाल सजा कर लाए हैं, तब चरणों में अर्पित करने भाव सजो हमें आए हैं, प्रशम मूर्ति करुणादार काल जात्र काल वंदना करे करावे भावना वापसी अरहं सिद्धाचार पद्य सब साधु पद परमिष्ट भयो नमः। प्रथवान्यो करुणानि चरणानि द्रव्याणि के वन में दर्शन सिद्धा शोषकाने भयो नमः। उत्तम क्षमा दस सक्षम धर्म भयो नमः। सम्यक दस सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भयो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर नगरी ऊर्ध लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय विराजमान कृतम कृतम चैत चैतल जिनेन्द्र जिनमें भयो नमः। विद्यमान विशति दंकर भयो नमः। पंच भरत पंच ऐरावत दस चतुर्षति चौबीस के साथ चौबीस जना भयो नमः। नंदीश दीप स्थित दु पंचाश जना आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कैथवाड़ा गौतमपुरी नगर नामानि नाम नगर माशारत जलधारा
शांतिनाथ मुख शशि हुनहारी शील गुणा व्रत संयम धारी लगन 108 बिराजे निरखट नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पद धारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जन नायक नमो शांति शांति विधायक दिव्य विटम बहुपन की वर्षा दुंदमान शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश के लोग की जैसे के हृदय शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पर तिरभर ना रहे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी न जारी सु समय बढ़ते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारण जमर को जो सदा सुखकारी जल और चंदन की धारा देंगे घाति करम जन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज शांति के दोष ठाकुर सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलो सेऊ चरण जन के मोक्ष जौलो ना पाऊं तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी इत्यार्षीर्वादः परिपुष्पांजलिम क्षिपेत शांति भक्ति समाधि भक्ति तक आयु सर्गम करो में हम 9 बार नमोकार का जाप करें महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें कृष्णनगर जैन समाज धूप फलार के धवल मंगल गान रवाकुल जिनिग्रह मुनि राज में ओम मृगेश्वर श्री उपाध्याय श्री गुप्त स्वागत जी महाराज के चरणों में अर्घम निर्वामती स्वाहा। कृष्णनगर का पूरा जैन समाज आया हुआ है और महाराज श्री के चरणों में सभी ने हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज श्री कृष्णनगर भी कुछ समय दो, कुछ समय कृष्णनगर भी पधारो। महाराज श्री कृष्णनगर जैन समाज को भी आपकी दया दृष्टि की आवश्यकता है। अब मैं अनुरोध करूंगा नवीन शाद्रा जैन समाज से प्रोफेसर टिकम चैन जैन शास्त्री जो कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे आसपास के एरिया है सबसे विद्वान टिकम चंद शास्त्री जी हैं और श्री राजपाल जैन उपाध्यक्ष यमुना पार श्री नीरज जैन अध्यक्ष नवीन साधरा श्री सुकुमार जैन कमल जैन अतुल जैन सभी से अनुरोध करूंगा कि श्री उपाध्याय श्री के चरणों में श्री पर अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं हाँ प्रोफेसर टीकम चंद जी उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषु दीप सुफलार कई धवल मंगल गांधव जिन ग्रह गुरुराज में ओम रिम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के वरिष्ठतम प्रभावी शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में अर्घम निर्पामती नमोस्तु महाराज। नवीन छात्रा भी पास में स्वास्थ्य के अनुकूलता से देखिए आपके साम्राज्य विभंस त्यक्ता जाता ए ही दिगंबरा पंच कल्याणक प्राप्ते भ्यो तीर्थे से भ्यो नमो नमः। अब तो आपने वैभव का प्रदर्शन देखा लेकिन आज दो कल्याणक है उस वैभव को छोड़ करके दिगंबर मुद्रा धारण करी तीर्थंकर ने और इसी के परिणाम स्वरूप दोपहर को केवल ज्ञान कल्याणक भी प्राप्त होगा। तो पूज्य उपाध्याय श्री की स्वास्थ्य के अनुकूलता से जो यमुना के इस पार को पहले अलग दृष्टि से देखा जाता था उस पार वालों द्वारा लेकिन आपके चरण पड़ने से अब ये महान आकर्षण का केंद्र बन गया है चाहे वो कृष्णा नगर हो गांधी नगर हो या नवीन छात्रा हो तो इसमें भी जैसे अनुकूलता बने ताकि हमारे इस एरिया का और ज़्यादा उद्धार हो जाए क्योंकि साकार प्रवर्तक इतने प्रभावी शिष्य वरिष्ठतम शिष्य और इन्होंने लौकिक शिक्षा में भी सबको प्रेरित करके आगे बढ़ाया ये विशेष काम करे परमार्थ का तो उपदेश सदा देते ही रहते हैं। तो नवीन छात्रा ही नहीं पूरे यमुना पार की ओर से निवेदन है स्वास्थ्य की अनुकूलता देखते हुए कभी ऐसा प्रोग्राम बनाए ताकि इनका हो जाए। भले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज की जय। पिलवाई
जिनकी पावन अनुकंपा से संकट कट जाते अविराम, सूर्य विद्या सागर महाराज के चरणों में नम्र प्रणाम है। उपाध्याय गुप्ति सागर महाराज के चरणों में नम्र प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर टिकमचंद जैन शास्त्री जी का कि उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। हेलो, अब अपने दीप प्रज्वलन करता, चित्र अनावरण करता, जो जो भी नाम प्रिंट हैं, पहले उन्हें आमंत्रित कर लें। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन होंगे। हेलो, दीप प्रज्वलन करता श्रीमान सतीश जैन, राजेश जैन, रिजुल फैशन, सुभाष रोड, जो भी आए हैं उनके परिवार से कृपया मंच पर आए। हाँ, ये नाम सारे पहले भी अनाउंस किए हैं, यदि कोई भी प्रतिनिधि अभी फिर से बोले जा रहे हैं तो पहले वो आ जाए, पहले वो आ जाए, नहीं तो हम, हाँ नहीं तो फिर दूसरी व्यवस्था की जाए। उमेश जी, उमेश जी से अनुरोध, हाँ आ जाएंगे वो, कृपया बोलिए कर रहे हैं, दूसरा नाम बोले। चित्र अनावरणकर्ता श्री पंकज जैन, पंकज सठ, सुभाष रोड। पाद प्रक्षारण करता श्रीमान नितिन जैन, नीलम इंपैक्ट, सुभाष रोड। शास्त्र भेंट करता श्रीमान सतीश जैन, अमित जैन, सूर्यनगर। अब देखिए आज के वात्सल्य भोजन की व्यवस्था, श्रीमान अरविंद जैन जो कैलाश नगर के पूर्व प्रधान है और आज भी वहाँ कार्यकारिणी में है, अनिल अखिल जैन, धार परिवार, प्रोमिस किड सिवियर, गांधीनगर, दिल्ली 31, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और शुद्ध भोजन की व्यवस्था श्रीमान सुरेश चंद जैन, संजय जैन, ताऊजी परिवार की ओर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए भाइयों, सबसे पहले चित्र अनावरण करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा? भाइयों, आज ज्ञान कल्याणक है और ज्ञान के प्रतीक आचार्य परम पूज्य विद्या सागर जी महाराज, जिनका अथाह ज्ञान देखने को मिलता है और जिनका आशीष हमें यहाँ से परोक्ष में मिलेगा, क्योंकि उनके चित्र का अनावरण करके उनके दर्शन करने का ये सौभाग्य कोई बड़भागी प्राप्त करेगा, कोई सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, चाहे 5 की बोलना, चाहे 50 की बोलना, चाहे 500 की बोलना, चाहे 5000 की बोलना, चाहे 50000 की बोलना, लेकिन इस पंच कल्याणक में बैठे बैठे पुण्य जरूर कमाना। एक पाषाण भगवान का रूप ले रहा है, तुम बैठे बैठे पुण्य कमाओ, ये भाग्य की बात है, पुण्य की बात है। निश्चित मान के चलना कोई भाग्यशाली होगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, जो आज कोई सौभाग्यशाली होगा, जो इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। कहां से शुरू करूं इस बोली को, बोलिए कहां से शुरू करूं? है कोई ऐसा भाग्यशाली जो सबसे पहले खड़े होकर कहे पहले ये कर लो यार, एक ही काम होगा। आइए भाइयों, तो निश्चित मान के चलिए कौन वो सौभाग्यशाली है। किश्ता नगर से भी बड़े धनवान लोग आए हैं, नवीन साधरा से भी बड़े धनवान लोग आए हैं, पूरी दिल्ली से कुछ धनवान लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोस से भी गोरे काले काले भैया यहाँ पर उपस्थित है। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। ऐतिहासिक पंच कल्याणक बड़ौत में जिनने कराया, जिनके निर्देशन में हुआ, वो आज यहाँ उपस्थित है। आइए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी बहन है, कौन ऐसा भाई है जो इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा? कहाँ से शुरू करूं इस बोली को? 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 2, 5151 रुपया, 2.5। एक बात बताइए, आचार्य श्री के कितने भक्त हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भक्त है, कुंडलपुर महोत्सव भी हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। आप में से कोई ऐसा भक्त होगा जो आज उनके चित्र का अनावरण करेगा, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 2, 5151 रुपया, 2, 5151 रुपया, 3.5, और कोई महानुभाव, और कोई सौभाग्यशाली, और कोई पुण्यशाली जो इस धर्म सभा में हो, जो इस सौभाग्य को लेना चाहता हो, कोई ऐसी माँ, कोई ऐसी बहन जो इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहती हो, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 2, 11,111 रुपया,
11,111 रुपया। एक बार भाई साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। बैठे बैठे भाव बना रहे हैं, अब देखते हैं कि ऊपर वाले लेते हैं या नीचे वाले ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं। 11,111 रुपया, एक दो ढाई पौने तीन दो नब्बे पंचानवे सत्तानवे अंठानवे निन्यानवे हो गई तीन। नाम बताइए भाई साहब, आ जाए मंच पर, नाम बताएं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। नाम धनेंद्र जैन प्रधान, जैन समाज निर्माण विहार। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो कहां कहां से लोग आ रहे हैं और इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों, चित्र अनावरण के बाद दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य, ये भी निश्चित मानना कि ये भी किसी भाग्यशाली को ये सौभाग्य मिलेगा जो दीप प्रज्वलन करके चित्र अनावरण के उपरांत उसे ये सौभाग्य 5151 रुपया, 5151 रुपया। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, ये मंच पर यहाँ आप सुशोभित होंगे क्योंकि गांधीनगर से विधायक जी यहाँ आए हैं। सच मानिए, सहजता और सरलता उनकी देखिए, वो नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन की सहजता और सरलता है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए 5151 रुपया, एक 5151 रुपया, दो 5151 रुपया, ढाई। और कोई भाई जो आज दीप प्रज्वलन करेगा, ज्ञान का प्रतीक दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य है, कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? हाँ जी, 5151 रुपया, एक दो ढाई पौने तीन। और कोई भाई, और कोई सौभाग्यशाली इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहता हो, 5151 रुपया, एक दो ढाई। समय अपनी गति से चल रहा है, समय को भी ध्यान में रखना है। अब पौने तीन हो गई तीन। ये सौभाग्य लिया है हमारे इंद्र महाराज, क्या नाम है, राजेंद्र जैन। जोरदार तालियां बजाइए भाई राजेंद्र जी जैन, ये इंद्रों का सौभाग्य था। अब पता नहीं कौन ऐसा खेवट है जो खेवट राम को लेकर गए थे और कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। केवट ने खाली राम से ये कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके दो चरणों का पात्र प्रच्छालन करना है। और लकड़ी का पात्र लेकर, नदी के जल को लेकर वह पात्र प्रच्छालन करता है। ऐसा कौन आज केवट बनेगा, ऐसा कौन आज सौभाग्यशाली बनेगा जो गुरुदेव के चरण को प्रच्छालन करेगा। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। कौन है वो सौभाग्यशाली जो आज ज्ञान कल्याणक के दिन गुरुदेव का पाद प्रच्छालन करेगा? कहां से शुरू करूं इस बोली को, बोलिए। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। निश्चित मान के चलना, कोई पुण्यशाली होगा, कोई भाग्यशाली होगा, कोई पिछले जन्म की अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। निश्चित मान के चलना, अच्छे कर्म किए होंगे, संतों की सेवा की होगी, उनके पाद प्रच्छालन किए होंगे। 11,111 रुपया, एक 11,111 रुपया, दो 11,111 रुपया, ढाई। और कोई भाई, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। पंच कल्याणक बड़ौत में गुरुदेव के सानिध्य में हुआ था, आज वो यहाँ बैठे। एक बार उनके सम्मान में पुनः जोरदार तालियां बजाएं। आइए शास्त्र की बोली शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करो, कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव को शास्त्र भेंट करेगा? कॉन्टेस्ट वाला की कहानी सबने सुनी है, पर किसी संत को कभी शास्त्र देकर देखना। हे माँ, मैं गारंटी से और दावे के साथ कहता हूं, अगर तुमने किसी संत को शास्त्र दे दिया ना, तुम्हारे यहां कभी कोई अनपढ़ नहीं होगा। 5151 रुपया, 5151 रुपया, क्योंकि तुमने अपने हाथों से किसी को शास्त्र दिया है, किसी संत को शास्त्र दिया है। 5151 रुपया, एक
51 से 51 रुपया दो, 51 से 51 रुपया ढाई, 51 से 51 रुपया पौने तीन। और कोई महानुभाव, और कोई सौभाग्यशाली, और कोई भाग्यशाली, 51 से 51 रुपया, एक दो 6171 करो, तर में बोली होती है, 7171 रुपया, 11111 रुपया, 11111 रुपया, हाँ जी 11111 रुपया, एक दो ढाई पौने तीन। और कोई मानवा जो आज जिनवाणी शास्त्र आज ज्ञान दान करने का अवसर है, क्योंकि केवल ज्ञान का दिन है, हाँ जी 11111 रुपया, एक दो ढाई पौने तीन हो गई तीन। और रोहिणी के हैं और पीछे बैठकर 41,000 रुपए तक की बोली भी आपने लगाई है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन धन्यवाद जय जिनेश्वर। जैन मंजू जैन परिवार निर्माण विहार से पधारे हैं, उन्होंने नेमिनाथ भगवान की जो मूल वो प्रतिमा है वो प्रदान की है। श्रीमान राजेश्वर जैन मंजू जैन परिवार कृपया मंच पर आए। देखिए जिन महानुभावों ने आज बोलियां ली हैं हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैथवाड़ा दिगंबर जैन कमेटी सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। चित्र अनावरण करता श्रीमान नरेंद्र जैन प्रधान निर्माण विहार, श्रीमान धनेंद्र जैन, श्रीमान धनेंद्र जी कृपया मंच पर आए। श्रीमान धनेंद्र जैन जी चित्र अनावरण, कोई सी भी महिला भाभी जी आ जाओ, आप आ जाओ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, वो तो मंच पे हैं, निधि एक्सपोर्ट। देखिए ये भी अब से नहीं, मैं 25-30 साल से इनको देख रहा हूँ, जब भी हमारे मंदिर में कोई भी प्रोग्राम होता है राजेंद्र जी का सहयोग हर किसी ना किसी रूप में जरूर रहता है हर प्रोग्राम में। और पाद प्रचारण करता श्रीमान सुनील जैन भगत सिंह मोहल्ला, उनसे अनुरोध कृपया इधर मंच पर आ जाए। और सास बैठ करता संजीव जैन रोहिणी जी, हेलो हेलो। गुरुदेव के चित्र का अनावरण किया जा रहा है, श्रीमान भाई जी वहां पहुंच गए हैं, धनेंद्र कुमार जी साहब। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। इस जग से निकलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। देखिए हेलो, हमारे बीच में श्रीमान कमल कुमार नीरज जैन, कमल कुमार जैन नीरज जैन जामियो कृपा मंच पर पधारे, गली नंबर 7 गौतमपुरी। इन्होंने आहार के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री राजेंद्र जी दीप प्रज्वलन करता श्रीमान राजेंद्र जैन सह परिवार कृपया मंच पर आए। इस जग से निकलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। हेलो भाइयों, समय का बहुत अभाव है, महाराज श्री का प्रश्न होना है, तो सभी इसे अनुरोध कृपया जल्दी करें थोड़ा। इसके बाद पांच प्रचारण करता श्रीमान सुनील जैन भगत सिंह मोहल्ला, आ जाओ ऊपर आओ। गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है, ऋषिराज के चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है, इधर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। देखिए भाइयों, सभी कार्यकर्ता अधिकारीगण या जो भी जहां के भी अध्यक्ष महामंत्री या जो भी कार्यकारिणी आए हैं,
हम सभी कार्यकारिणी इसकी ओर से और अपनी ओर से उनसे क्षमा प्रार्थी हैं यदि हम उनके मान सम्मान में या किसी भी कार्य में कोई कमी रह गई हो तो हम सब उनसे क्षमा चाहते हैं। मैं अपनी ओर से भी और कार्यकारिणी की ओर से भी सभी से क्षमा चाहता हूँ। सास बैठ करता अभी चरणों का प्रक्षालन किया जा रहा है। ओ हम आए हैं जब से गुरु की शरण में, हम आए हैं जब से गुरु की शरण में, था जीवन कठिन अब सरल हो गया है, था जीवन कठिन अब सरल हो गया है। हम आए हैं जब से गुरु की शरण में, हम आए हैं जब से गुरु की शरण में, जीवन कठिन अब सरल हो गया है, जीवन कठिन अब सरल हो गया है। गुरुवर की वाणी, गुरुवर की वाणी में अमृत की वर्षा, गुरुवर की वाणी में अमृत की वर्षा, बंजर ये मन अब चमन हो गया है, बंजर ये मन अब चमन हो गया है। और हम आए हैं जब से तुम्हारी शरण में, जीवन कठिन अब सरल हो गया है, जीवन कठिन अब सरल हो गया है। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए गए यहाँ चित्रपट का अनावरण हुआ, मंगल ज्ञान की ज्योति जागृत की गई और अब पूज्य गुरुदेव उनको झिनवाणी भेंट करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है वे आ जाए। श्रीमान संजीव जैन अहिंसा विहार रोहिणी जो वहाँ के अहिंसा विहार के अध्यक्ष भी हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान संजीव जैन रोहिणी माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, हम तो बालक हैं तेरे मेरी माँ, अब तार दे माँ शारदे, अब तार दे माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, ऋषिराज के अन्य भक्त भाई धनंजी भाई साहब खड़े हुए उनके चरणों में और कह रहे हैं, ओ तिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। भाइयों ये वो गीत है जिनमें नाम तेरा है। हमारे धनंजी भाई साहब आ रहे हैं गुरुवर के चरणों में और इनका जो प्रिय गीत है जिस पर ये भक्ति करते हैं आ जाए। धनेन जी निर्वाण विहार प्रधान जी हैं, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व भाई जरा दोनों हाथों को खोलने, जिन ऋषिराज के श्री चरणों में आप और हम यहाँ खड़े हुए हैं ये हमारा सौभाग्य है, उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं आप और हम। और यह हर दिल से ये आवाज निकल रही है कि दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है।
भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। दोनों हाथ खोलेंगे और दिल में नाम तेरा है। ओ, 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 ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। और मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। और कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। भाई दोनों हाथ खोलेंगे। इधर धरन भाई साहब भक्ति कर रहे हैं, उधर हमारे देखाज भैया भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं रामकुमार पास आ जाओ, हम भी चाहते हैं आपके पास में आना और हम उनके पास जाना चाहते हैं सभी। अरे दिल में नाम तेरा, अरे एक बार खड़े हो जाएंगी हमारी बहनें। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। और मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। और कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। और कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। भाई सारा बड़ौद उनके चरणों में खड़ा हुआ है, सारा बड़ौद खड़ा हुआ है। ओ कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। ये हमारे सुरेश भाई साहब है, ये कह रहे हैं है गुरुदेव, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया, मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। इधर वीरन जी भाई साहब और उधर हमारे बॉबी भैया, बॉबी होजरी आ गए हैं भगवान आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के श्री चरणों में और कह रहे हैं कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया, मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। ये काम तेरा है और ये काम तेरा है और नाम मेरा है। ये काम तेरा है और नाम मेरा है। मैं भक्त तेरा भगवान साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। भाइयों बॉबी होजरी और हमारे वीरन जी भाई साहब सोनी जी भक्ति कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत दिन के बाद भक्ति करने का मौका मिला है। अरे दिल में नाम तेरा है, ओ, 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 अरे दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। आज जनवाणी चैनल पर जो लाइव हो रहा है, आज जनवाणी चैनल पर जो लाइव किया जा रहा है हमारे भाई जी श्रीमान वीरन जी भाई साहब सोनी जी की ओर से लाइव किया जा रहा है। हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, सचिन रानी बनी थी और हमारे सौधा बिंदिया खड़े हुए हैं। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। और मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। और कठिन रास्तों पे भी गिरने दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। ओ कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। और मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया, मेरा कोई काम बिगड़ने ना दिया। अरे ये नाम तेरा है, अरे ये काम तेरा है और नाम मेरा है। मैं भक्त तेरा हूँ साधु राम मेरा। दिल में नाम तेरा है,
उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की। 10:10 हो चुके हैं, पूज्य गुरुदेव उनके मंगलमय प्रवचन से हम सभी लाभान्वित होंगे। तत्पश्चात यहाँ तीर्थंकर मुनिराज उनकी आहारचर्या विधि भी होगी और हाँ जितने भी हमारे यहाँ आप विराज रहे हैं वो ध्यान दें। इंद्र इंद्राणी जो भी पात्र हैं उनको पहले से सूचित किया, अपने निर्धारित वेश में रहेंगे और आपको जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही प्रवेश करेंगे। हाँ सभी विराजें। हमारे बीच पवन गोदा जी भी आ चुके हैं, अरियन चैनल के डायरेक्टर, वो भी मंच पर आ जाएं। देखिए बहुत पुण्यशाली हैं ये हमारे पवन जी गोधा, जो आज प्रभावना का अंग है आदिनाथ चैनल और जिनवाणी चैनल आदि पर ये सारे कार्यक्रम पंचकल्याणक के प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो साधर्मी यहाँ नहीं पहुँच पाए वे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज सभी विराजे अब और हम सब। हाँ जी 10:15 बज गए, दीदी मुझे बराबर संकेत दे रही हैं लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ दीदी भाग दौड़ता है लेकिन डोर कभी कभी उधर चली जाती है। हाँ हम सब विराजे आप परम पूज्य परम तपोधन मनोज्ञ मूर्ति राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ति सागर जी उनके श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हैं। आज ज्ञान कल्याणक का यह परम पावन दिन गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। बुरी परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ति सागर जी मणिराज की। सभी अपने स्थल पर ही नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ देखिए यहाँ भी जो भी चेयर पर बैठे हैं, हाँ जी बहने इंद्र जो बैठ सकते हो तो चेयर प्लास्टिक की त्याग करो। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेषा प्रभवानंद नंदितम् निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए विश्वबंध नैमिनाथ भगवान की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। महानुभाव 10:15 बज गया है, आहार की बेला हो गई, परंतु मैं कुछ आपके लिए संक्षेप में कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। महाराज समुद्र विजय के सुपुत्र नेमिनाथ द्वारावती में रहने वाले महामंडेश्वर की पर्याय में इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और श्याम वर्ण जिनका था, केवल 10 हाथ जिनकी ऊंचाई थी, ऐसे यदुवंशी 300 वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे। तदनंतर
आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ने के लिए वैराग में पशुओं का बंधन इनको निमित्त बना और इसमें भी षड्यंत्र था कि कहीं नेमिनाथ राज न संभाल ले, इसलिए षड्यंत्र नारायण कृष्ण के द्वारा किया गया था। महानुभाव दीक्षा लेते ही 3 उपवास के बाद पारणा के लिए अरिष्ट नेमी निकले थे। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने के वजह से उनका पुनः चित्रण किया जा रहा है। अलबत्ता उन्होंने अपने गंतव्य को हासिल कर लिया है। सौभाग्य है आपका, इस छोटे से क्षेत्र में जिसे कैथवाड़ा कहते हैं, जहां का आधा मंदिर पूरा बना है और आधा मंदिर अभी भी अधूरा है। 50 गज का मंदिर 2 हिस्सों में बनने जा रहा है। जहां कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न होगा, एक एक कार्यकारिणी के व्यक्ति का हौसला खोया हुआ था। हमारे आने से पहले तक आपस में महाभारत चल रहा था। 3 दिन के अंदर बागडोर हाथ में लेने पर कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े और ऐसा पंचकल्याणक इतना भव्यता के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। बड़ौद के श्रीमान अशोक कुमार जी ने आज चारुदत्त राजा बनने का सौभाग्य लिया है। राजा चारुदत्त उन्हें आज आहार दान देंगे और उस आहार में क्या देंगे, खीर अन्न, दूध से बनी हुई खीर। जो भी श्रावक उन्हें आहार देने के इच्छुक हों, उन सभी को रात्रि के भोजन का त्याग अपने आप कर लेना चाहिए। तीर्थंकर को आहार देने का मतलब है बहुत ही पुण्य का उदय। आपको एक प्रसंग याद दिला दूं, प्रथम तीर्थंकर के वक्त का राजा बजरंग और श्रीमती दोनों अपने, श्रीमती की पीहर बजरंग की ससुराल हो गई, वहां जा रहे थे। रास्ते में रुकते हैं और वहां आकाश मार्ग से चारणधारी मुनिराज का आगमन होता है और उन मुनियों को उन्होंने अपने हाथ से आहार दान दिया था। लेकिन वह फलवान कब हुआ आप देखेंगे। आदिनाथ भगवान को आहार दान किसने दिया था, क्यों जी, भूतपूर्व सौधर्म इंद्र श्रेयांश ने। श्रेयांश कौन था, वह श्रीमती का जीव। महानुभाव इतना केवल बतलाना चाहता हूं कि बजरंग स्वयं ऋषभदेव हो गए और श्रीमती के जीव ने 2 चारणधारी मुनियों को अपने हाथ से आहार दान दिया था
और उस श्रीमती का अजीब श्रियांश हुआ। उस श्रियांश होकर प्रथम तीर्थंकर को आहार दान दिया। यदि आप किसी मुनि महाराज को आहार दान देते हैं तो आपके लिए तीर्थंकर को आहार दान देने का मौका मिल सकता है। लेकिन आप इतने नाकाम लोग होते चले जा रहे हैं कि नौकर को पैसा देकर के चौके में लगवाते हैं और आप बीबी के साथ आराम से कुर्सी पर बैठे या सोफा पर बैठे रहते हैं। एक जमाना था मारवाड़ में, सेठ और सेठानी दोनों मिलकर मुनियों के चौके में लगते थे, कुएं से पानी सिर पर लेकर के आते थे और चौका तैयार करते थे। श्रीमती का जीव श्रियांश बन के जो आहार दान तीर्थंकर को दे रहा है ऐसे ही नहीं है। लेकिन आज का जो वक्त बदल गया है, ये वक्त आपके लिए ऊंचाइयां नहीं दे पा रहा है, आपको क्रमशः नीचे की ओर ले जा रहा है। मुनि राज आ जाएं तो प्रधान सोचता है कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रधानी तो गायब है ना, या तो बहुत मोटी है या घुटने खराब हैं या गर्दन में दर्द है या किडनी डिस्टर्ब हो गई है, हार्ट में छेद हो गया है, अब कैसे पुण्य कमाओगे? तो फिर आप कोई ऐसे पैसे फेंक के किसी का आयात करते हैं, दो चार जोड़ों का, और मुनिराज को आहार तैयार करके आहार के वक्त खड़े हो जाएंगे। जीरो है आपका पुण्य, ना आपको मन शुद्धि का पता है, ना वचन शुद्धि का पता है, ना आपको काय शुद्धि का पता है। आज ये पंचम काल ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, और इसी पंचम काल में देखता था अपनी आंखों के माध्यम से, मैं जब किशनगढ़ आचार्य भगवान के साथ अपने गया तो आर के मार्बल के पिताजी कुएं से सिर्फ पानी घड़ा सिर पर लेके आते थे। क्या उनके बच्चों की इतनी हैसियत है कि कुएं से घड़ा सिर पर लेकर के आए? गोदा जी, एक जमाने में उनके पिताजी सिर पर घड़ा लेकर के आते थे, देखा है मैंने अपनी आंखों से। लेकिन आज बच्चों की इतनी स्थिति नहीं रह गई, सारे बीमारियों से गिरते जा रहे हैं, सब कमजोर होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको तो स्वर्ग जाना है ना, चाहता तो हूं स्वर्ग, लेकिन काम कौन से करते हैं बोलो ना, मैं ना बोल पाऊंगा आप कुछ भी। चाहते सारे स्वर्ग हैं लेकिन काम कौन से करते हैं, बुरा ना मानो होली है ऐसा कहना पड़ता है। अच्छे काम करने का जब वक्त मिलता है तो आदमी सौदा करने लग जाता है, और बुरे काम के लिए कोई सौदा नहीं करना। तीर्थंकर को भी आहार देने का वक्त आए तो भी आदमी सौदा करता है, और साक्षात भगवान जब सामने आएंगे तब आपकी भी शुद्धि ही काम आएगी। मैं आज अपने पुराने चेले को कहना चाहता हूं, बाबी मुनि राज मिल जाए तो छोड़ने की कोशिश मत करना। इंदौर में एक कासलीवाल परिवार की महिला थी, क्या नाम था, बिमला कासलीवाल,
बड़ी कमाल की बात कह रहा हूं, वो अपनी पेटी में दो साड़ियां लेकर के चलती थी। अगर बाबी भाई ने छूलिया भाभी को मजाक में अब आहार नहीं दे सकती तो दूसरी साड़ी अभी पेटी में रखी हुई है, लेकिन आहार मुनिराज को देना है, ऐसा दृढ़ संकल्प रहा और पूरी जिंदगी आहार दे करके जब तक जिंदा रहे पुण्य कमाया। आज कोई ऐसी देवियां यहां मौजूद हैं, आज मैं चश्मा नहीं लाया अपना कि दूर तक देख सकूं, कोई ऐसे हैं तो हाथ ऊंचा करके देख लीजिए, हाथ तो नजर आ जाएगा, कैमरा भी कैच कर लेगा। आप अनेक काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं लेकिन जब मुनि राज की चर्या होती है उसमें आप बिल्कुल निरुत्सुक, पंच कल्याणक हो रहे हैं, मुनि राज आए हैं तो सारे हम इंद्र बनेंगे। मुनि राज की चर्या गौतमपुरी वाले करेंगे, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या पुण्य कमाओगे नाच नाच के, कूद कूद के, छलांगे भर भर के? पुण्य कमाने के लिए जब आपको अवसर मिलता है तो आप कहते मेरे पास वक्त नहीं है। वाजपेयी जी, जब आदमी के पास पावर होता है तो काम नहीं करता है, और जब पावर नहीं होता कहते मैं सारा काम करने को तैयार हूं। क्या आप महिलाएं और पुरुष हाथ उठा के संकल्प कर सकते हैं कि जब मुनिराज आपके शहर में आए तो आप 100 काम छोड़ करके नमोस्तु नमोस्तु करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? देखो नेताजी, पक्का कर लेना, आज तक आहार दान में लगे नहीं है लेकिन संकल्प कर लेना, बच्चे होशियार लबत्ता हो गए। ये धर्म का चैप्टर है। सोनी जी, आप तो आहार देते हैं, कैसे नीचे हाथ रहा? जीवन में आदमी को सिर्फ एक ही बात सीखने की जरूरत है, अतिथि का सम्मान करना। आज नेहमी नाथ भगवान के आहार का वक्त है और मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि श्रीमती के जीव ने चारण दिद हरि मुनियों को आहार ध्यान दिया और वही श्रेयांश हुआ और उसको जाति स्मरण होवाया अपना कि मैंने पिछले भाव से पाप करने के लिए 8 कदम आगे। अभी ये कोई ट्रेन निकाल दो यहां पंच कल्याण के बाद कि फ्री में कहां जाना है, फ्री में घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है लद्दाख। जिनके पैरों में टांगों में ताकत नहीं वो भी कहते मैं चलूंगा, एक गाड़ी भर जाएगी गोदा जी, दूसरी भर लो, तीसरी भर लो, लेकिन कहें गिरनार के पहाड़ पर वही साथ चले जो पूरी यात्रा करने का साहस रखता है विदाउट डोली। बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे। इसी प्रकार मुनिराज की चर्या करने के लिए कह दिया जाए कि चौथे काल में जैसे सिगड़ी पर आहार होता था बनाते थे, कुएं से पानी लाते थे, नौदा भक्ति होती थी, अब तो नमोस्तु करते भी नहीं बन रहा है लोगों से, खड़े खड़े हाथ जोड़ते, खड़े खड़े हाथ जोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बीबी के चरणों में तो टांग किया सिर झुका देते हो लेकिन मुनि राज और तीर्थंकरों के चरणों में नमस्कार नहीं कर पाते हो। आज बहुत कड़ी सी भाषा बोल रहा हूं मैं, उसका कारण भी आपने सारा मेरा समय ले लिया, पौन घंटा लगा दिया, मेरे पास बचा क्या समय। आज आप नियम करिए, जितने यहां बैठे हैं राजा महाराजा इंद्र
कि जब आपके यहाँ मुनिराज आते हैं तो आप सारे काम छोड़ करके उनकी चरिया में लगने की आदत डालें। कैथवाड़ा वाले हाथ उठाएं पहले, कौन शक्ल देख लूं। दोनों हाथ उठाइए, कच्चे वाले नहीं। ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बच जाऊं तो बच जाऊं, ऊंचे हो जाऊं तो ऊंचे हो जाऊं। देखो अनमोद नाथ से भी पुण्य का बंद होता है, लेकिन तंग मत करना। एक मुनिराज हो और आप बिल्कुल पिल जाओ कि नहीं मैं तो नियम करके आया हूं, दे के जाऊंगा, उनकी मर्जी के अनुसार काम करना। नहीं नाथ भगवान द्वारका नगरी में राजा चारु दत्त के यहां आज प्रथम पारणा करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं जो पूर्ण शुद्धि में हो वही उनको आहार दें। ऐसा ना हो कालीन पर से नाचते हुए निकल गए और अनदेखा करके आपने शुद्धि बोल दी। आप पूरे जो शुद्ध हो, ये देवलोक शुद्ध बिल्कुल भी नहीं, इसी वस्त्रों में जाकर खड़े हो जाए, वरना देखिए शुद्धि का बड़ा अर्थ है। जो शुद्धि का ध्यान रखते हैं उनकी जिंदगी में उजास भरता चला जाता है। और शुद्धि नहीं है, बाहर का शुद्ध है, भीतर का अंडरगारमेंट वही का वही है, तो ये मायाचार हो जाएगा। ऐसा आप लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। जिनकी शुद्धि हो वही लोग करिएगा। समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं विराम लेता हूं और चाहता हूं पंडित सुधीर शास्त्री जी, श्री भगवान को लेकर अपने मस्तक पर निकलेंगे और आप सब विनम्रता के साथ जो शुद्धि में नहीं है वो दोनों हाथ जोड़कर अनुमोदना कीजिए। जो शुद्धि में है वो आहार में लग सकते हैं। इसी प्रकार जो निरोग हैं वो मुनि महाराज के आहार में लगे। रोगी होने के बाद तो आप विवश हो जाओगे। जब जवानी है तब मुनि राज को आहार दिया नहीं, जब बूढ़ा हो गया आदमी, अरे अब तो लास्ट में कुछ कल्याण कर लो, आंखें छोटी होती जा रही हैं, और कहते मुनिराज को आहार दे के आऊं। जवानी में धर्म करने का साहस जुटाना चाहिए और वही पुण्य का बंद है। शुगर होने के बाद चीनी का त्याग अपने आप हो जाता है। चीनी का त्याग पहले करें तो पुण्य का बंद होगा। ऐसे कितने लोग यहां बैठे हैं जो शुगर होने के बाद चीनी छूट गई, लेकिन पहले दिल्ली वालों ने चीनी का त्याग नहीं किया, तभी तो इतने भारी भारी बदन है। देखो एक बड़ोस से आया हुआ बच्चा काला, अजय काला, चीनी का त्याग करते, मीठे का त्याग करते, अब तक तो बिल्कुल नेमी नाथ के साथ ही हो जाते। मैं जयकारा लगाता हूं नेमीनाथ भगवान का। आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का वक्तव्य तो उसका अनुकरण करना, और अच्छा ना लगा हो तो मेरे पास वापस लौटा देना। और श्रीमान मार्तंड जी को आशीर्वाद देता हूं कि महामुनि नेमीनाथ को लेकर ये अपने सिस्टम से आए। प्रबंधक लोग जरा रास्ता के लिए प्रशस्त करेंगे। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी मुनि राज की, जितने भी इंद्र परिवार यहां पर बैठा है, पहले तो सबसे जो लोग गैलरी में हैं ये गैलरी खाली कर दीजिए। सभी लोग गैलरी खाली कर दें, जितने भी लोग गैलरी में हैं गैलरी खाली कर दीजिए। पहले तीन दिवस तक एक ही जगह में विराजमान रहे, उसके पश्चात
गिरनारी का जो पर्वत है उस पर्वत से शेषावन होते हुए जूनागढ़ नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जो महानुभाव आहार देना चाहते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करने का नियम जैसे गुरुदेव ने कहा है, वो मंदिर जी में वस्त्र बदल करके वहां से दूसरे वस्त्र पहन करके फिर आहार देने के लिए आ सकते हैं। महामुनिराज नेमिनाथ दीक्षा के उपरांत गिरनार गिरी में जाकर के गिरनार गिरी की गुफा में मौन ग्रहण करके एक स्थान पर अचल होकर के विराजमान हो जाते हैं। एक दिन निकलता है, दो दिन निकलते हैं, तीन दिन का मन में योग धारण किया था, तीन दिन तक एक ही स्थल पर महामुनिराज के आहार के लिए निकलने का संकेत हो गया। सारी नगरी में लोग महामुनिराज का इंतजार कर रहे थे। महामुनिराज आहार के लिए निकलेंगे, वो महामुनिराज का पड़गाहन करेंगे। महाराजा वरदत्त अपने महल के पास, भैया कैमरामैन तो हाँ भाई तीर्थंकर इधर आ जाओ साइड में ऐसे इधर। कोई भी सामने नहीं रहेगा, ध्यान रखें। आप लोग ऐसे आ जाओ, ये कैमरे वाले सब इधर आ जाएंगे, सबको इधर आना है, सब इधर आ जाएंगे। और थोड़ा सा उधर उस मंच पे भी ले लो। महामुनिराज निकल रहे हैं आहार के लिए, लोग जगह जगह पड़गाहन कर रहे हैं, जगह जगह पड़गाहन करते हैं। लेकिन महामुनिराज की विधि नहीं मिल पा रही है। नगर नगर घूमते घूमते महामुनिराज जूनागढ़ नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। जूनागढ़ नगरी जहां राजा वरदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए धर्म आयतनों में पूजन अर्चना करते हुए जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें इंतजार होता है कब कोई दिगंबर संत उनके नगर में आए और वो दिगंबर मुनिराज का आहार करवा करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे जिन धर्म परायण महाराजा वरदत्त बहुत ही तल्लीनता से तन्मयता से प्रतिदिन खड़े होते महामुनिराज का पड़गाहन करने के लिए आते, लेकिन अभी महामुनिराज की विधि कहीं प्राप्त नहीं हुई। महामुनिराज वन से विहार करते हुए नगरी की ओर पहुंच रहे हैं और वो पावन पुनीत नगरी जहां जहां तीर्थंकर प्रभु के आहार हुए और आहार करते हुए उन पावन नगरियों को भी
तीर्थ धाम बना दिया ऐसे पावन पुनीत जिन धर्म प्रभावक जिन धर्म की प्रभावना करने वाले महामुनिराज नेमिनाथ महाराजा वरदत्त के महल की ओर पहुंचते हैं। भैया सबको वहां नहीं जाना है, ये सब लोग जो वरदत्त महाराजा के आसपास आ रहे हैं सिर्फ वहां पर वरदत्त महाराजा का परिवार रहेगा और किसी को नहीं आना है वहां पर। निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी करने को आहार, हुई अंबर में जय जयकार, हुई अंबर में जय जयकार। निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी, निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी करने को आहार, हुई अंबर में जय जयकार, हुई अंबर में जय जयकार। महामुनिराज का पड़गाहन सामान्य जन जहां जहां से महामुनिराज विचरण करते हैं निकलते हैं वहां वहां पर लोग पड़गाहन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही महाराजा वरदत्त के दर पर पहुंचते हैं महाराजा वरदत्त अपनी महारानी के साथ में महामुनिराज का, सभी लोग परिक्रमा नहीं करेंगे, सिर्फ जो चौके वाले लोग हैं आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, सिर्फ महाराजा वरदत्त का परिवार, बाकी सभी लोग दूर रहेंगे। निकल पड़े श्री ने आज का सौभाग्य महाराजा वरदत्त का है। महाराजा वरदत्त के परिवार ने महामुनिराज की तीन प्रदक्षिणा की। भैया टेबल के पास से सब लोग दूर हो जाओ, ये जो टेबल लग रही ना इसके पास से पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, अतिक्रमण कोई भी ना करे, बहुत आराम से सभी लोग बहुत अच्छे से आहार देंगे, किसी को भी अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत शांति से आहार जैसे आप चौके में देते हैं एक एक करके सभी आहार देंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। शुद्धि बोलेंगे हे स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराजा वरदत्त अपने घर के चलने के लिए निवेदन करते हैं। हो गई तीन परिक्रमा बाबा जी, 13 नहीं लगानी, 3 ही लगानी है, आ जाइए। हो गया महाराज जी के चालू हो रहा है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। देखिए सावधानी का परिचय दीजिए। सामने से आप लोग आ जाइए, इधर सामने जो सामने खड़े हैं सब लोग आ जाओ, इधर मंच पर जो लोग सामने टेबल के सामने आ गए हैं ये इधर आ जाओ, सबको इधर उधर कर दो। मुनिराज के 32 अंतराय होते हैं, यदि आप उसमें निमित्त बनते हैं तो पाप के भागी होते हैं, अतएव पूरी सावधानी का परिचय दीजिए और नवदा भक्ति विनम्रता के साथ आप आहार देने का। यहाँ पर महाराजा वरदत्त का परिवार सिर्फ टेबल के पास रहे, बाकी सभी लोग पीछे हट जाएंगे, सभी से निवेदन है सब लोग पीछे हट जाएंगे, सभी लोग पीछे हट जाएं, महाराजा वरदत्त का परिवार केवल पास में रहे बस। महाराजा वरदत्त हर्षाए, हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। महामुनिराज को उच्चासन पर विराजमान किया और अब पाद प्रक्षालन किया जा रहा है। ओ महाराज वरदत्त हर्षाए, दो पग प्रभु के पास में आए। भैया आप सब लोग ना वाकई बहुत अच्छे हैं, आप सामने ऐसे खड़े हो गए हैं।